पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी दिलकश हंसी और पुरकशिश फनकारा जो हुसन से मालामाल थी, जिसकी एक झलक देखने वाले महक जाते, जिसे दोबारा देखने की ख्वाहिश लिए फिल्म बिन सिनेमा घरों का रुख करते। और वो फनकारा माशाल्लाह आज भी हयात है, जो पहले थी तो क्रिश्चियन मगर फिर ईमान की दौलत अता हुई और वो मुसलमान हो गई, जिसकी फैमिली में बेशतर अफराद शोबे से वाबस्ता हैं, जो इस वक्त मुल्क के टॉप फनकार हैं। इन सब मालूमात का मजमुआ जो फनकार है उसका नाम है फिल्मसार रुजीना बेगम जी। साठ और सत्तर की दहाई की मशहूर फनकारा, फिल्म इंडस्ट्री की एक महजब फनकारा, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए बाइज्जत जिंदगी गुजारी, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इस फनकारा का कभी कोई भी स्कैंडल मंजरेआम पर नहीं आया। 1948 को मसीही खानदान में आंख खोलने वाली एक आम सी लड़की जिसका नाम था आईवी संथिया, जिसे अदाकारी और डांस का बहुत शौक था। रुजीना की एक बहन भी इस फील्ड में मौजूद थी जिसका नाम था रेहाना। अपनी बहन से डांस सीखा, कराची से तालीम हासिल की, इंटर पास किया। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता एक शोबी सहाफी ने आईवी संथिया से रुजीना नाम रख दिया, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों में ये नाम वक्त की जरूरत था। और यूं 20 साल की उम्र में एक कमर्शियल से कैरियर का आगाज किया। वो कमर्शियल था लिप्टन चाय का इश्तेहार। इस एक इश्तेहार से मंजरेआम पर आई और फिल्म मेकर्स ने रुजीना जी का अक्स फिल्मी फ्रेम में अक्सबंद किया और फिल्मों में काम करने की ऑफर्स कर दी, जबकि रुजीना जी भी यही चाहती थी, जो पहली फिल्म हमें भी जीने दो, जो हदायतकार काशिर भट्ट साहब की थी और इस फिल्म में बतौर सपोर्टिंग अदाकारा चांस मिला। मगर किस्मत में जदोजहद करना अभी बाकी थी और ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन रुजीना जी ने तहिया कर रखा था कि वो फिल्मों में अपना नाम बनाएगी। फिल्म मेकर से रابطे में रही और दूसरी फिल्म हदायतकार एएच सिद्दीकी साहब की फिल्म छोटी बहन में एज ए सेकंड हीरोइन चांस मिला। इस फिल्म में हीरो कमाल जबकि हीरोइन रानी थी, जबकि रुजीना जी का पेयर अजीम फिल्मी हीरो मोहम्मद अली साहब के साथ बनाया गया। फिल्म दरमियाने दर्जे की कामयाब फिल्म रही। ज़बान संभाल के गल करवे बाऊ, टुटते छितर वांगो बढ़ते ही जाना है। जे हुन कोई गल कीती ते मैं वाज मार के सारा पिंड बुला लांगी। बे बाऊ गल पक्की करदा करदा किधरे अपना गाटा ना लुआ बैठी। मैं कहनी है तू मेरे जाने नहीं सकती। फिल्म डायरेक्टर हलीम ने रुजीना जी को बतौर हीरोइन फिल्मों में चांस देने का फैसला किया। उस फिल्म का नाम था इश्क हबीब, जो 1965 में रिलीज हुई। हालांकि उस दौर में रुजीना जी क्रिश्चियन थी मगर इस्लामिक फिल्म में काम किया और इसी फिल्म से कामयाबी मिली। फिर फिल्म आजादी या मौत जो 1966 में रिलीज हुई, ये फिल्म भी कामयाब रही। इसी साल पाकिस्तान की तारीख की पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म बनाई गई, जिसके हदायतकार थे परवेज मलिक साहब। नगमाती फिल्म जिसके गीत आज भी रोजे अव्वल की तरह मशहूर और मिठास से भरपूर हैं। फिल्म का नाम था अरमान, जिसमें वहीद मुराद साहब और जेबा जी को मरकजी किरदारों में रखा गया और जेबा की छोटी बहन के रूप में फिल्म से रुजीना जी को लिया गया। सदाबहार गीत जो आज भी कानों में रस घोलते हैं, वहीद मुराद साहब के कैरियर की सबसे बेहतरीन और कामयाब फिल्म थी। डॉली, जल्दी में हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सके, कल यहीं से कुछ खरीद के देंगे। हम साड़ी लेंगे हमसे। तुम जरूर साड़ी लेना मेरी बच्ची, और सीमा के लिए भी कुछ लेंगे। हाँ हाँ। और यहीं से रुजीना जी का भी ना रुकने वाला कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर 1972 की फिल्म बशीरा, जिसमे सुल्तान राही ने टाइटल रोल किया, जबकि फिल्म से हबीब के साथ रुजीना जी को एज ए हीरोइन कास्ट किया गया। रुजीना के कैरियर की बतौर हीरोइन ये सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसी फिल्म से सुल्तान राही साहब के रोशन दौर का आगाज हुआ, जो उनकी दर्दनाक मौत तक जारी रहा। कदी ते अकल दी गल भी करया कर। अकल दी गल? अच्छा, ले फिर आम चुकी। ना बाबा, ना तेरा की वसा है। तू एक कम छुपा के 10 टोटे कर देवे, मैं अपनी मां दा कल्ला कल्ला पुत्र हां। मैं तेरे टोटे किस तरह कर सकती हूं? सच्ची मुच्ची बड़ा ही मीठा आम है, ले फड़ भी। 70 की दहाई फिल्म से रुजीना जी के लिए अरूज का दौर रहा। फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल काम किया, अपने कैरियर के अरूज पर शादी का फैसला किया। साउंड रिकॉर्डिस्ट रिफत कुरैशी, जो के मुसलमान थे, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अपने इस मोहब्बत को जायज तरीके से अपनाने के लिए दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, मगर दोनों के दरमियान मजहब आड़े आ गया। रिफत कुरैशी ने रुजीना जी को खुली मोहलत दी और कहा कि अगर तुम बेहतर समझती हो कि इस्लाम मजहब मसीही मजहब से बेहतर है तो इसे अपना लो, पहले दिल से इस्लाम कबूल करो, इसके बाद हम शादी करेंगे।
फिल्म से रुजीना जी ने कुरान पाक की तालीम लेना शुरू कर दी और अल्लाह की रहमत हुई, हक सच और तौहीद उस पर आश्कार हो गई। बगैर किसी मजबूरी और जबरदस्ती के फिल्म से रुजीना जी ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया और इसी के साथ फिल्मी दुनिया को भी खैरबाद कहने का तहिया कर लिया, क्योंकि रुजीना जी अपनी बाकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहती थी और यूं वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। अल्लाह पाक ने रुजीना जी को अपनी रहमत के साए में ले लिया। रिफत कुरैशी और रुजीना जी की शादी हो गई। शादी के बाद अल्लाह पाक ने एक बेटी की रहमत से नवासा, जिसका नाम रखा साइमा कुरैशी। साइमा कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान टीवी ड्रामों की बहुत ही मशहूर फनकारा है और साइमा कुरैशी का फर्स्ट कजन फैसल कुरैशी हैं और फैसल कुरैशी साहब पिछली कई दहाइयों से टीवी के टॉप हीरो हैं, यानी रुजीना जी का देवर जिसका नाम था आबद कुरैशी, वो फैसल कुरैशी के वालिद थे, जबकि आबद कुरैशी की बीवी अफशा कुरैशी जो कि पाकिस्तान फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकारा हैं, और यूं ये घराना पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का नामवर घराना है। फिल्म से रुजीना जी के फिल्मी सफर पर अगर नजर डालें तो उन्होंने तकरीबन 90 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 57 फिल्में उर्दू जुबान में और 30 फिल्में पंजाबी जुबान में। रुजीना जी ने उर्दू और पंजाबी दोनों फॉर्मेट्स की फिल्मों में अक्सर कामयाबी और शोहरत समेटी। शादी के बाद शोबिज को खैरबाद कह दिया और जवानी में ही शोहर का इंतकाल हो गया। अकलौती बेटी साइमा कुरैशी की परवरिश की, उसकी शादी की, मगर खुद को घर तक महदूद रखा। साइमा कुरैशी ने इंडस्ट्री में एंट्री की और वो इस वक्त शानदार कैरियर गुजार रही है, जबकि रुजीना जी अपनी बेटियों के बच्चों के साथ घरेलू जिंदगी बसर कर रही हैं। अल्लाह की जात का शुक्र अदा करती हैं, जिसने उसको ईमान की दौलत अता की और सेहत और तंदुरुस्ती दी। माशाल्लाह आज भी हयात हैं, कराची के पोश इलाके में अपनी बेटी के साथ रहती हैं, मुकम्मल सेहतियाब हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उसे ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुशो आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। दोस्तों, अगर आप रुजीना जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर गुमनाम ओल्ड फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोज वहां देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप इस वक्त जो थंबनेल देख रहे हैं, ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इनका लिंक उन्हीं प्लेलिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।